हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनिया की कहानी में। फ्रेंड्स, आज हम कहानी पढ़ेंगे शेख चिल्ली की कहानी। ये बड़ी ही मज़ेदार कहानी है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार शेख चिल्ली लंदन में गए, वहाँ उन्हें स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने टेम्स नदी के शीतल जल में स्नान किया, फिर वह कुछ खाने की व्यवस्था करने शहर की ओर चल पड़े। शेख चिल्ली बहुत भूखे थे। थोड़ी दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज खड़ा है और उसके निकट एक बड़ा संदूक खुला पड़ा है। उस संदूक में शराब की बोतल भरी हुई है। उस अंग्रेज ने शेख से कहा, क्या तुम कुली हो? शेख समझ गए कि यह सामान पहुंचाने के लिए कह रहा है। उसने आगे बढ़कर बोला, कहाँ ले जाना है? अंग्रेज ने कहा, पीका डलो। शेख चिल्ली ने संदूक उठा लिया और पीछे पीछे चलने लगे। एक स्थान पर रुककर उसने संदूक उतरवा कर शेख जी को कुछ पैसे दिए और बोला, थैंक यू। शेख जी ने समझा कि सामान फेंक देने के लिए कह रहा है। शेख चिल्ली जी ने संदूक जोर से उठाकर फेंक दिया। उसमें की सारी बोतलें टूट गईं। यह देखकर वह आदमी डंडा लेकर दौड़ा। चिल्ली डैम फूल, शेख भागे, अंग्रेज पीछे पीछे, और लंदन की व्यस्त सड़कों पर शेख चिल्ली आगे आगे दौड़े जा रहे थे। पार्क स्ट्रीट के नुक्कड़ पर पहुंचकर शेख एक हिंदुस्तानी होटल में घुस गए। मालिक ने अपने देश का आदमी देखकर पूछा, क्या बात है भाई, क्यों डर रहे हो? सेठ जी, क्या बताऊं आपको, मेरा मुकद्दर ही खराब है। जहाँ जाता हूँ जूते खाता हूँ। अब बदमाश से बचाइए, नहीं तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। होटल वाले ने उसको छुपा लिया। वह अंग्रेज बक्ता वहाँ से वापस लौट गया। स्वीप मेज के नीचे से शेख बाहर निकले और कुर्सी पर बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद उन्होंने होटल के मालिक से कहा, भाई साहब, एक पान तो खिलाइए। मालिक ने अपनी डिबिया से एक पान शेख चिल्ली को दिया। बहुत कहने पर भी पैसे नहीं लिए। शेख पान लेकर मुंह में डाले और चबाते हुए होटल से बाहर निकल गए। वे सैर करते हुए ग्रैंड स्ट्रीट के चौराहे पर आए और एक स्थान पर पीक थूक दी। अभी वह थूक कर पलटे ही थे कि बहुत से लोगों ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर अस्पताल ले गए। कहा कि इस आदमी को खून की कमी हो गई है, इसका इलाज किया जाए। डॉक्टर ने मुआयना किया और टीबी का मरीज उसे बताया। शेख ने लाख समझाया कि भाई, मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर इस अस्पताल का स्टाफ उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ और मजबूरन शेख को बिस्तर पर लेटना पड़ा। एक नर्स ने थर्मामीटर दिया तो शेख चिल्ली ने उसे दवा समझकर चबा लिया। यह देखकर नर्स बोली, ओ चिल्ली, इट इज़ थर्मामीटर। शेख ने कहा, मेरा नाम चिली नहीं, शेख चिली है। मैं कहीं का मॉनिटर नहीं हूँ। मैं कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, मॉनिटर कैसे हो गया? तभी एक बूढ़ा आदमी कमरे में आया और नर्स से अंग्रेजी में बोला कि यह भारत का बेवकूफ़ शेख चिली है, मैंने इसको दिल्ली में देखा था। नर्स बोली, वंडरफुल, मुझे ऐसे बेवकूफ़ आदमी की तलाश थी। यह कहकर उस नर्स ने शेख का नाम अस्पताल से कटवा दिया और अपने साथ घर ले गई। उसने शेख को भोजन कराया और फिर नाई के पास ले जाकर बोली, इसकी हजामत बना दो। शेख जी की बालों की कटिंग तक तो कुछ नहीं हुआ। दाढ़ी में कैंची लगाते ही शेख गुस्से से उखड़ गया और बोला, अबे मुर्गे दीन, धर्म पर हाथ डालते तुझे शर्म नहीं आती? पर नाई ने इतना सुनकर भी बस नहीं किया और शेख जी को क्लीन सेव बना दिया। अब जब शेख हजामत बनवाकर बाहर निकले तो बहुत स्मार्ट दिख रहे थे। शेख सोच रहे थे कि लड़की कम और लड़का अधिक मालूम होती है, बहुत अच्छी औरत है। यह मेरी माँ से भी अधिक अच्छी है, इसे अम्मा कहना चाहिए। जब शाम हुई तो इस लड़की ने एक शानदार सूट को पहनकर कहा, वेलकम, बहुत अच्छा लगता है इसको।
तुमसे लव हो गया है, वह तुम बहुत स्वीट है। शेख जी की समझ में थोड़ी सी बात आई और उन्होंने पूछा, मैम साहब लव किसे कहते हैं? वह लड़की हंसी और कहने लगी, तुम लव का मीनिंग नहीं जानता, लव का मतलब मोहब्बत होता है, इसको तुम्हारे से वही हो गया है, समझो। शेख ने कहा, मगर मैं तो बेवकूफ़ हूँ, आप मुझे मारेंगी। नो नो माय डियर चिली, हम तो तुम्हारे साथ मैरिज करके इंडिया जाएगा। तुम्हारा स्टेट कौन सा है? शेख चिली ने कहा, स्टेट हम नहीं जानते, पर हमारा एक छोटा सा गांव है। वंडरफुल गांव मीन विलेज, आर यू लैंडलॉर्ड? ताली पीटती हुई बोली, हमको बिल्कुल तुम्हारे जैसा हस्बैंड मांगता है। फिर वह बोली, हमारा एक फ्रेंड है जूलियट, वो हमारे साथ काम करता था, तुम्हारा कंट्री का एक लैंडलॉर्ड के साथ इंडिया चला गया, बट हर हस्बैंड इट नॉट लाइक यू। शेख को अचानक अम्मा की कही बात याद आ गई कि विलायत में मैम बड़ी ख़राब होती हैं, वह भोले भाले लड़कों को फंसाती हैं। यह सोचकर उनका जी धक धक करने लगा। उन्होंने कहा, मैम साहब तुम हमारा मम्मी बनेगा? यह सुनते ही नर्स गुस्से से लाल हो गई। उसने केवल इतना कहा, इडियट, फिर अपने लंबे नाखूनों से शेख जी का चेहरा नोच लिया। शेख वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। वह लंदन से न्यू यॉर्क शहर पहुँच गए। न्यूयॉर्क शहर पहुँच कर वह एक होटल में घुसे और वहाँ एक बैरे को बुलाकर कहा, छटांग पर गुड़ ले आओ। बैरे ने कहा, व्हाट डू यू वांट? शेख जी ने मुंह की ओर हाथ ले जाकर इशारा किया। बैरा बोला, स्कॉच, आई अंडरस्टैंड, यह कहता हुआ बैरा चला गया। वह जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शरबत जैसी बोतल थी। शेख पूरी बोतल पी गए। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि जैसे वह उड़न खटोले पर सवार होकर मन ने नाचने के लिए उन्हें विवश कर दिया। वह खड़े होकर नाचने और गीत गाने लगे। होटल में बैठे हुए सब लोग शेख जी को नाचता देखकर तालियां बजाने लगे। वंडरफुल वंडरफुल चीयर्स की आवाज़ें आने लगीं। उस होटल में दो हिंदुस्तानी ग्राहक भी थे। वह शेख को नाचता देखकर बोले, मुझे तो यह आदमी जात का भांड मालूम पड़ता है। दूसरे ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। यह बात जब शेख ने सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। वह नाच छोड़कर बोला, तुम भाड़, तुम्हारा बाप भाड़, मैं तो असली शेख हूँ। शेख के कहने पर वे दोनों उस पर टूट पड़े। हाल में भगदड़ मच गई। शेख बुरी तरह पिट गए। अगले दिन होश आने पर वह समुद्र किनारे पड़े थे। सामने एक पानी का जहाज जाने को तैयार खड़ा था। शेख ने दौड़कर जहाज का रास्ता पकड़ लिया और डेक पर चढ़कर लदे सामान के ढेर में छुपकर बैठ गए और फिर 40 दिन बाद मुंबई के समुद्र तट पर उतरे। अपने देश की धरती पर उतरकर उन्होंने भारत माता को प्रणाम किया। तो फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।